अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 3 A ब्लॉक के क्वेश्चन है और 1 B ब्लॉक का क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है। पहला क्वेश्चन A ब्लॉक के 1083 प्लॉट नंबर के हवाले से है, 10 मरले का ये प्लॉट है। दूसरा क्वेश्चन है 1411 7 मरले का ये प्लॉट है A ब्लॉक का। तीसरा क्वेश्चन है 2914 ये 10 मरले का प्लॉट है A ब्लॉक। और चौथा क्वेश्चन है B ब्लॉक की 500 सीरीज। तो पहला जो क्वेश्चन था 1083, 1083 के एग्जैक्ट लोकेशन ये आपके प्लॉट की बनती है। जो जो गली बनी हुई आपको नजर आ रही है, ये पार्क की बैक साइड है। इसके फ्रंट के कुछ प्लॉट क्लियर हैं, 35 बाय 70 में से आप कह लें कि फ्रंट 35 फुट क्लियर है और बैक साइड का जो एरिया है 70 फुट, उसमें से कोई 30 फुट क्लियर है, कुछ 40 फुट तो ये प्रॉपर डेवलप नहीं है प्लॉट। तो इनकी बैक पे आपका प्लॉट बनता है, वो अभी क्लियर नहीं है और उसकी पोजेशन अभी नहीं है। तो ये लैंड जो है, ये जहाँ तक क्लियर थी सोसाइटी ने कर दिया, बाकी ये क्लियर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन 1411 के बारे में है। 1411 एग्जैक्ट सर ये लोकेशन बनती है इस प्लाट की। इस प्लाट की गली जो है ये 1407 नंबर तक आप कह लें बनी हुई है, उसके आगे नहीं बनी हुई। तो ये रीज़न है जी आपके प्लाट अभी इस वजह से पोजेशन में नहीं है, क्योंकि जहाँ तक ये जगह क्लियर थी वहाँ तक कर दी गई है। जो क्लियर नहीं है वो सोसाइटी ने अभी उसको कटिंग नहीं की। तो 1411 नंबर जो है ये नॉन डेवलप प्लाट है, इसकी पोजेशन नहीं है और ना इसकी भी गली बनी है और ना ये कटिंग में आता है। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास 10 मरले के प्लाट के मुतालिक, जो A ब्लॉक का 2914 है। 2914 जो लोकेशन वाइज मैप में है, इसकी लोकेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल लैंड का प्लाट है। तो लेकिन फिजिकली ये जो एरिया है, अभी ड्रोन वहां पे जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस जगह पे कटिंग हुई है। कुछ प्लाट यहाँ पे कट चुके हैं आपकी जो गली है 1929 की सीरीज में, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा प्लाट बनेगा, क्योंकि अभी इसमें काम हो रहा है तो गलियाँ बनेंगी तो फिर 1920 का फर्क आ जाएगा। तो ये जो कटिंग का एरिया आपको नजर आ रहा है, रोड से पहले इस जगह पे जाके ये प्लाट आता है, ये A ब्लॉक का सबसे एंड वाली साइड पे जाता है। तो इस जगह पे जाके आपका प्लाट बनेगा जो वीडियो में आपको नजर आ रहा है। तो ये कटिंग में आप कह सकते हैं, लेकिन पोजेशन वाला ये डेवलप अभी नहीं हुआ। तीसरा चौथा क्वेश्चन जो B ब्लॉक के 500 सीरीज के हवाले से था। B ब्लॉक की 500 सीरीज की तरफ मैं सर एक वीडियो बनाई थी, मैं अभी उसी वीडियो में से आपको एक क्लिप बना के दे रहा हूँ, जिसमें जो B ब्लॉक की 500 की सीरीज है वो कहाँ पे आती है अभी एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो ये ड्रोन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल B ब्लॉक के स्टार्टिंग एरिया से और आगे जा रहा है। जो 500 की सीरीज है सर, उसके आसपास थोड़ी बहुत कटिंग हुई है, जमीन है सोसाइटी के पास, लेकिन बीच वाला ये जितना एरिया आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ये अभी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आगे जो है वो भी पोजेशन का कोई चांस नहीं है। और क्या कहते हैं, कटिंग उन्होंने बस कर दी है क्योंकि जमीन सोसाइटी के पास वहां पे कुछ है। तो और रेट वाइज अगर आप कहें तो रेट काफी डाउन है यहाँ पे। ये एरिया जी 500 का सर एग्जैक्ट जो आप देख रहे हैं ये वीडियो के अंदर, ये एग्जैक्ट 500 की सीरीज है, इसमें कटिंग है लेकिन इसके आसपास अभी जमीन जो है ये क्लियर नहीं है। तो ये आप चारों भाइयों के क्वेश्चन का आंसर था। हाँ, तीसरा जो क्वेश्चन था 1919 के बारे में, उसकी जो मार्केट वैल्यू है सर, इस प्लाट की तकरीबन कोई 4850 तक होगी, क्योंकि लोकेशन वाइज ये बहुत एंड का प्लाट है। और जो पहला क्वेश्चन है था हमारे पास 1083, इसके मार्केट वैल्यू इस टाइम तकरीबन 1 करोड़ के आसपास होगी। अगर ये कटिंग में होता प्रॉपर तो फिर 1-15-20 तक का इसका रेट होता है, लेकिन ये कटिंग में नहीं है, करोड़ तक भी बेचना इसको मुश्किल है। सेम यही 1014 का है, वो भी क्लियर नहीं है प्लाट, और उसकी जो असेसमेंट है वो भी यही 50-60 के दरमियान कहीं बिकेगा। अगर कटिंग में होता तो वो तकरीबन 80-85 तक रेट था उसका। और B ब्लॉक की जो कनाल की सीरीज है, उसका रेट तकरीबन है 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20। 10 मरले में जो 500 की सीरीज है B ब्लॉक में, उसका रेट है तकरीबन आप कह लें कि कोई 60 के करीब। तो ये आप चारों भाइयों के क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद है आप खैरियत से रहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।